हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण राजस्थान की योजनाओं के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, जितने भी एग्जाम होने वाला है उसमें भी आएगा। तो इसलिए आज का क्लास काफी यूजफुल इंपॉर्टेंट होगा, तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कौन सा भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और इसको शेयर भी कीजिएगा क्योंकि यूजफुल होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना, जैसे कि चिरंजीवी योजना है, अनुपूति कोचिंग योजना है, डिजिटल सेवा योजना है, घरेलू बिजली निःशुल्क, यानी लगभग हम योजना की बात करेंगे, 14 महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करेंगे और इससे संबंधित एग्जाम में काफी बार प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम योजना की बात करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी, ठीक है ना। और इसके तहत लगभग 10 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइज बिल का जो वहन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जिनकी जो पैसों की कमी की वजह से अच्छी सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाते, उनके लिए इस योजना में निःशुल्क रखा गया है। अब बात करते हैं, तो ये ध्यान रखा गया है कि वो एक श्रेणी जो निःशुल्क यानी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं, उनको तो 100% इस योजना का फायदा मिलने वाला है, लेकिन जो इसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं निःशुल्क पात्र परिवार के अंतर्गत, उनको 850 रुपये देने होंगे और 850 सरकार के द्वारा वहन कर इनको ये पॉलिसी दी जाएगी। और जन आधार आधार कार्ड होना जरूरी है। बात करते हैं कुल कितने हॉस्पिटलाइज है इसमें, तो इस योजना के अंदर 597 हॉस्पिटल है जिनके अंतर्गत ये राजस्थान के जो भी हैं जन आधार करता, जिनको ये शुल्क मतलब निःशुल्क दी जाएगी, तो उनके अंदर इतने हॉस्पिटल सुविधा रखी गई है। अब बात करते हैं किन किन बीमारियों के लिए ये योजना है वो कवर करती है, किन बीमारियों को, तो वो जैसे COVID-19, ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइज, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जन, ऐसी काफी महत्वपूर्ण तो जो बीमारियां हैं उनको लेकर यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं कि इनके लिए ये कुछ टर्म कंडीशन है, लेकिन ये कहा गया कि भर्ती ये एग्जाम इसलिए पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का जो खर्च है वो इस योजना के तहत कवर होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरी, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जो चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसे 5 लाख तक का है ये जो है ना एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगर कोई विकलांग ही हो रहा है तो उसके 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर प्रश्न आ जाए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना क्या है, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, दुर्घटना योजना है जिसके तहत 5 लाख का कवर हेल्थ ये बीमा सुरक्षा दिया जाएगा। 1 साल बाद चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के रिन्यू करना होता है, यानी हर साल इसका रिवेन्यू होता है। बात करते हैं चिरंजीवी योजना में कौन कौन जुड़ सकते हैं, तो इसमें यह बताया गया है इस योजना के तहत हर राजस्थान का परिवार है, सरकारी कर्मचारी को इस योजना से जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनके हेल्थ स्कीम में इसको जोड़ा दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट, जिसको आपको ध्यान रखना है, जो हो सकता है एग्जाम में और भी इंपोर्टेंट हो जाए। ओके, तो वो देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट दूसरी योजना जो एग्जाम में काफी बार इससे प्रश्न आ चुके हैं, कौन सी, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। बिल्कुल आपको पता होगा राजस्थान सरकार के द्वारा 2022 में इस योजना को नई सिरे से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग OBC या BPL परिवारों को है, उनके विद्यार्थियों को सरकार की ओर से प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान 40,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि किस आधार पर, तो 10वीं 12वीं की मेरिट के आधार पर उनका है जो इस योजना में उनको फायदा मिलेगा। पिछले साल 10,000 ही थे जिनको इस योजना का फायदा मिला था, लेकिन 2022-23 में इस योजना के तहत ये जो प्रतियोगी होंगे उनको 15,000 संख्या कर दी, यानी 15,000 विद्यार्थियों को ये फायदा मिलने वाला है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के तहत। अब बात करते हैं कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी इसके तहत करवाई जाएगी, यानी प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क तैयारी होगी, तो UPSC इसकी सिविल परीक्षा है, RS ठीक है ना, अधीनस्थ उसकी सेवाओं संबंधी सब इंस्पेक्टर, रिट है, पटवारी, रेपिड क्लिक, इंजीनियर, मेडिकल प्रवेश परीक्षा संबंधी क्लैट, CACS, CAFSC या कॉन्स्टेबल परीक्षा, इनके लिए ये मुख्यमंत्री कोचिंग योजना के तहत सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये सब अलग अलग रखा गया, काफी अच्छी योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत आप SSO ID के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री अनुपूति कोचिंग योजना है वो कितनी राशि दी जाएगी, तो अभी आपको मैंने बताया था कितनी, 40,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। और इसके अंतर्गत जो भी इस योजना का फायदा ले रहा है उसको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उधर का आधार कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज, प्रतियोगी परीक्षा में पास होने का शपथ प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी होगी तभी उसको ये फायदा मिल सकता है।
अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई है, आपको पता होगा, निःशुल्क स्मार्टफोन देने की योजना। ये राजस्थान के 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिसमें निःशुल्क स्मार्टफोन उनको दिया जाएगा और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। और इसका राज्य सरकार के ऊपर 2500 करोड़ का वहन होगा, यानी 2500 करोड़ रुपए है वो सरकार एक्स्ट्रा अतिरिक्त अपने ऊपर लेगी। अब इसमें बात करते हैं तो शर्त यही है कि वो परिवार राजस्थान के मूल निवासी हो और 3G योजना में रजिस्टर्ड हो और उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। मोबाइल फोन की स्कीम की बात करें कि कैसा होगा, तो मेड इन इंडिया होगा, 6.5 डिस्प्ले होगा, एमएस बैटरी होगी 5000, 2GB और 32GB मेमोरी होगी, 1.6 GHz। तो ये इस मोबाइल की खासियत होगी। इसके तहत आपका दस्तावेज 3G योजना का जो कार्ड है वो होना चाहिए, जन आधार कार्ड और SSO ID पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हो रहा था ये कि इस योजना को कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है हैंडल या मैंडलिंग, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा इस योजना को जारी किया गया है, यानी इस योजना का मेंटेन है वो इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब प्रश्न ये आ सकता है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा फ्री मोबाइल योजना क्या है? तो जैसे कि आपको बताया, 3 साल के फ्री कनेक्टिविटी के साथ महिला मुखियाओं को ये दिया जाएगा। और राजस्थान फ्री मोबाइल योजना का नाम क्या है पूरा, तो राजस्थान फ्री मोबाइल योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, क्योंकि एग्जाम में शायद ये प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, फिर बात करें जो 3G योजना से जुड़े हैं उन महिलाओं को एक ही स्मार्टफोन और इंटरनेट डाटा फ्री में उनको दिया जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री घरेलू बिजली विद्युत योजना, यानी कहते हैं ना अभी इसमें आपको सुना होगा कि सरकार बिजली बिल माफ करे बिजली बिल, तो वही योजना है मुख्यमंत्री घरेलू बिजली अनुदान योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से हो गई थी और इसके तहत कहा गया था कि वे परिवार जो जिनकी बिजली 100 यूनिट खर्च करे तो 50 यूनिट तक का जो बिल होगा वो सरकार माफ करेगी, यानी सरकार खुद इसका वहन करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई परिवार 150 यूनिट तक बिजली खर्च कर रहा है तो उसके 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा। और अगर बात करें कि 150 से 300 यूनिट कोई परिवार यूज कर रहा है उपभोग कर रहा बिजली, तो उसे प्रति यूनिट 2 रुपये अनुदान दिया जाएगा। और ये योजना काफी यूजफुल थी। इस योजना के द्वारा 118 घरेलू उपभोक्ताओं को 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी है वो दिए जाने का उद्देश्य रखा गया है। अब बात करते प्रश्न आ जाए, राजस्थान निःशुल्क बिजली योजना कब शुभारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2022 जो मैंने अभी आपको मेंशन किया। इस योजना का उद्देश्य है, योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बिजली के बिल में सब्सिडी प्रदान करना, यानी राहत प्रदान करना। नेक्स्ट बात करें कितनी बिजली माफ की जाएगी, तो 50 यूनिट तक बिजली है वह माफ की जाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका अगर फायदा लेना है तो वो नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर अपना आवेदन दे सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री 5वीं योजना, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना, काफी यूजफुल है और एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न आते रहते हैं। तो ये राजस्थान के 5 लाख पशुपालकों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है और उससे जुड़े प्रश्न अगर आ जाए तो आपसे प्रश्न से डायरेक्ट बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना किस राज्य की, ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के, ऑलमोस्ट आपको पता राजस्थान का ही देख रहे हैं हम। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से राज्य के कितने पशुपालकों को फायदा मिलने वाला, 5 लाख पशुपालकों को। और इस योजना के तहत सरकार ने कितना बजट जारी किया, 500 करोड़ बजट जारी किया गया है। मतलब इस योजना के तहत दूध बेचने पर कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि 500 करोड़ का तो बजट डिसाइड किया है। और प्रति लीटर दूध अगर कोई बेच रहा है या अपनी सोसाइटी के अंदर अपने इस योजना के अंतर्गत, तो उसे 5 रुपये प्रति लीटर फायदा दिया जाएगा। मान लीजिए दूध की कीमत उसके वहां पे डेयरी में देने पर मान लीजिए 25 रुपये आ रही है, तो 5 रुपये सरकार देगी, यानी 30 रुपये उसको मिलेगा। तो ये है इस योजना की खासियत। नेक्स्ट 6 नंबर करते हैं योजना की बात, तो खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये इसको अधिसूचित किया गया था 13/2013 को, यानी 10 सितंबर 2013 को इसका किया गया था। इसके तहत ये रखा गया था गुणवत्तापूर्ण उचित और सभी को पोषण युक्त जो खाना है उसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो पाए। अब इसकी बात करते हैं, 1 रुपये किलो गेहूं जो इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो राशन कार्ड धारक है जैसे APL BPL उनको 1 रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा। और यह आपने इस योजना को देखा होगा। और अगर इस योजना के अंदर बात करते हैं, APL BPL राशन कार्ड धारकों को कुल 35 किलोग्राम है वो 5 किलोग्राम प्रति यूनिट पर प्रति माह 1 रुपये प्रति किलो गेहूं की सुरक्षा, यानी उसके तहत दिया जाएगा।
राजस्थान हेतु ये योजना में कौन पात्र है, तो ध्यान रखिएगा बीपीएल धारक, अंत्योदय परिवार, स्टेट बीपीएल और इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी या पेंशनधारी है, उनको इस योजना का फायदा मिलने वाला है। और बात करते हैं इस योजना का, तो इस योजना के अंतर्गत दीर्घ के पर परिवार को यहाँ पे 35 किलो अंत्योदय यानी अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम गेहूँ दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एपीएल बीपीएल में है उनके 1 रुपये किलो प्रति की दर से गेहूँ दिया जाएगा। राजस्थान के लगभग 94 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलने वाला है। और पहले लाभार्थी को 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत 1 रुपये किलो गेहूँ दिया जाएगा। और ये कहाँ से मिलेगा, तो राजस्थान की 856 उचित मूल्य की वितरण की दुकान है, वहां पे इसका इस वितरण किया जाएगा। अब बात करते हैं तो राजस्थान गेहूं योजना की बात करते हैं, राजस्थान गेहूं योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए योजना शुरू कर दी। इस योजना के लिए क्या लाभ है, तो इस योजना के तहत कुल 35 किलोग्राम प्रति 5 किलोग्राम प्रति यूनिट पर प्रति माह 1 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ स्टेट बीपीएल बीपीएल और अंत्योदय परिवार को ये योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा इस योजना को किस योजना के साथ जोड़ दिया गया है राजस्थान के, तो राजस्थान राज्य ने इस योजना को स्वास्थ्य बीमा अपने खाद्य सुरक्षा बीमा योजना के साथ जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अलग योजना की, जिसको लेकर आपके एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये योजना शुभारंभ की गई थी अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा 17 जुलाई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को मई 2021 में विद्युत बिलों में 1000 रुपये और अधिकतम टोटल 12 महीनों का मतलब 12000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत प्रदान करने के लिए, यानी पर महीने की बात करें तो 1000 रुपये अनुदान दिया जाएगा, यानी 5000 अगर बिल आ गया है तो 1000 रुपये सरकार वहन करेगी, 4000, इस तरह से 12 महीनों का टोटल 12000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और इसका फायदा है वो किसान लाभार्थी किसान को अपने बैंक खाते को जन आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा इसके तहत। अब दस्तावेज तो आधार का मूल निवास, राशन कार्ड, आय, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह है, वो जाके वहां पे टच कर सकते हैं। थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं इससे, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो ऊर्जा योजना है वह क्या है, तो राजस्थान में कृषि उपभोक्ता को बिजली के बिल पर प्रतिमाह सब्सिडी लाभ प्रदान करने की ये योजना है। योजना के माध्यम से किसानों को क्या लाभ दिया जाएगा, तो प्रतिमाह 1000 रुपये यानी टोटल 12000 का फायदा होगा। और इस योजना का लाभ राज्य के निवासी कृषि कनेक्शन करने वाले किसान जो केंद्र या राज्य के सरकारी कर्मचारी आयकरदाता नहीं है उनको ये फायदा मिलेगा, यानी टैक्स भर रहे हैं उनको ये फायदा नहीं मिलने वाला है। योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी और ये योजना काफी यूजफुल थी, ध्यान रखें। अब बात करते हैं नंबर 8 पालनहार योजना। बिल्कुल ये योजना काफी इंपोर्टेंट है, तो इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सीधे हम उस पर नजर डालते हैं ताकि आपके एग्जाम में उस पर ध्यान आ जाए। तो अब बात करते हैं ये योजना क्या है, तो इस योजना की शुरुआती प्रश्न इंपोर्टेंट ना होकर हम यहाँ पे सीधा वापस आ जाते हैं। तो 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके विशेष देखभाल के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत मान लीजिए कि किसी के फादर मदर नहीं है तो उसके निकटतम ये रिश्तेदारों को इस योजना के तहत उनका पालन पोषण करने का सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा, ये पालनहार योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो बजट है वो 1682 करोड़ रुपए जारी किया गया है, जिसके तहत 5,97,000 बच्चों को इस योजना का फायदा मिलेगा। तो बात करें यहां से प्रश्न बनता है, 0 से 3 वर्ष तक के आयु के अगर बच्चे हैं तो उनको प्रति माह 2500 रुपये है वो दिए जाएंगे इस योजना के तहत। और वो कैसे, तो आंगनवाड़ी केंद्र पर वो बच्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, सॉरी ये प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर 3 से 6 वर्ष का बच्चा है तो उन्हें कितना मिलेगा, उन्हें 2500 रुपये मिलेगा इस योजना के तहत। लेकिन अब यहाँ पे इसके लिए जरूरी है कि वो आंगनवाड़ी केंद्र में उसका रजिस्ट्रेशन होना सही। अब बात करते हैं कि स्कूल में प्रवेश करने के बाद 18 वर्ष तक की आयु में उस बच्चे को या उसके अभिभावक को जो है 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, उसे विद्यालय जाना अनिवार्य है। और बात करते हैं 2000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक पैसा मिलेगा उसको, विधवा पालनदार या नाता पालनदार में दिए नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2000 रुपये अतिरिक्त मिलने वाला है। पालनदार योजना के अंतर्गत बच्चों की आयु 0 से 6 वर्ष तक की आयु के अगर बच्चे हैं
तो उनकी सहायता की राशि के रूप में स्पंदन योजना 500 रुपये बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1500 कर दिया है। और 16 से 18 वर्ष तक की आयु में पालन योजना में 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत 2500 रुपये दिया जाएगा, जो अभी हमने बात करी थी। तो ये योजना है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे रखा गया है कि अनाथ बच्चे हैं तो इस योजना के तहत उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो आपको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट योजना जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, वो योजना यहाँ पे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। बिल्कुल, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2016 से या उसके बाद जन्म लेने वाली बच्ची को ये फायदा मिलने के तहत इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। इस योजना के तहत क्या है, इस योजना के तहत लगभग बालिका जन्म से 12वीं तक कक्षा पास करती है तो उन्हें 50,000 तक की सहायता दी जाएगी। यानी पहली किस्त जन्म के समय 2500 रुपये, दूसरी किस्त टीकाकरण से 2500 रुपये, तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय में प्रवेश करने पर 4000 रुपये दी जाएंगी। चौथी किस्त कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तो 5000 रुपये, दसवीं पास करेगी या दसवीं में एंट्री लेगी तो 11000 रुपये, और 12वीं उत्तीर्ण करने पर उसे 25000 रुपये दिए जाएंगे। तो काफी यूजफुल योजना है। इस योजना में कहा गया है वह बालिका जिसका जन्म 2016 इसके बाद हुआ है वही इसके धारित है या उसको इसका फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब शुरू की थी, तो राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य ये कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करना, जिस योजना के माध्यम से लड़कियों के लालन पालन और शिक्षा स्वास्थ्य के रूप में कोई भेदभाव न करना, जैसे बच्चे बच्ची में, तो सरकार की ओर से लड़के लड़की में समानता की भावना लाने के लिए योजना को शुरू किया गया है। राजश्री योजना का जो लाभ है वो राज्य के निवासी को ही दिया जाएगा या बाहर, तो इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासियों को ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कैसे लिया जाएगा, तो शिक्षण संस्थाओं में दाखिल या फिर संस्था जो भी है उसमें दाखिल होने के लिए उनको प्रमाण पत्र देना होगा। अब बात करते हैं योजना के अंदर कितना लाभ मिलेगा। इस योजना के जन्म से 12वीं तक 47000 रुपये का लाभ मिलने वाला है, और संबंधित योजना के तहत 10000 रुपये बढ़ सकता है। तो ये योजना काफी इंपोर्टेंट शर्तें थी। बात कर राजस्थान जननी सुरक्षा योजना 2022, इसके तहत क्या है योजना है, तो रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव कराने पर 1400 रुपये नगद राशि प्रदान की जाएगी, और उसकी सहयोगिनी जो है आशा को 300 रुपये दिए जाएंगे, और बतौर 300 रुपये प्रसव पूर्व सेवा प्रदान करने के दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में ये 1000 रुपये नगद राशि दी जाएगी और आशा सहयोगिनी को 200 रुपये दिए जाएंगे। और बीपीएल परिवारों को अगर है तो बीपीएल परिवारों में घरेलू महिला को प्रसव कराने पर 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब बात करिए योजना के तहत सभी महिलाएं जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं या मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में प्रसव कराती हैं तो इस योजना का फायदा मिलेगा, और वो भी तब जब पंजीकरण के तहत गर्भवती महिलाओं की आयु कितनी हो, 19 वर्ष या इससे अधिक हो। इस योजना का लाभ केवल 2 बच्चों के जन्म तक दिया जाएगा, 2 बच्चों के जन्म उपरांत तक, ऐसा नहीं कि 3-4 बच्चा है तो भी योजना का फायदा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। और इस बीपीएल परिवार की महिला जिसका प्रसव घर पे होता है उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा, उनको बिल्कुल हॉस्पिटल ना जाए, बाकी के सरकारी या निजी अस्पतालों में जाना जरूरी है। क्या उद्देश्य है, मातृ या मृत्यु दर में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, इसके लिए ये योजना इंपॉर्टेंट है। बात करते शुभ शक्ति योजना, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को की गई थी, और योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बेटियों को पोषण पालन हेतु सहायता प्रदान करना। यानी पता है ना आपको कि अगर कोई जैसे बड़ी मजूरिया कहते कमटे पे जा रहे हैं तो उनको सरकार की ओर से उनकी बेटियों की शादी के लिए लगभग 55000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो ये काफी यूजफुल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना का नाम है शुभ शक्ति योजना, जिसके अंदर कहा गया कि इस योजना का उद्देश्य श्रमिक हैं जो उनकी बेटियों के पालन पोषण के तहत ये राशि प्रदान की जाएगी, और राज्य के श्रमिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अपनी बेटी का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रहे, तो इस योजना का उन्हें फायदा जरूर मिलता है। अब बात करते हैं इस शुभ शक्ति योजना के तहत कितना पैसा है वो आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा, जो भी मैंने बताया 55000 रुपये दिया जाएगा। और इस योजना के तहत रखा गया कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अदरवाइज योजना का फायदा नहीं मिल सकता है। और शुभ शक्ति योजना की जब बात करें तो शुभ शक्ति योजना 2022 में आवेदन करने के लिए महिला और बेटियों को बैंक खाता होना अनिवार्य रखा गया है। अब बात करते आई एम उड़ान योजना क्या है, ये ध्यान रखिएगा।
राजस्थान सरकार ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयम शक्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत इस योजना के तहत महिलाओं सभी इस अंतर्गत आने वाली सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। और इस योजना का लाभ पहले स्कूल में तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी इस योजना को बढ़ा दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत हर राजस्थान की महिलाओं को उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सजग करने के लिए इस योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। तो इसमें एज क्या रखी गई है, 13 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को ये निःशुल्क। ये प्रश्न आ सकता है कि उड़ान योजना के तहत एज एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, 13 से 45 वर्ष, ये इस योजना का फायदा रखा गया है। अब बात करते हैं इस योजना की, आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है। महिला निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के लिए राज्य के किसी भी स्कूल, कॉलेज या आंगनबाड़ी केंद्र से नैपकिन है वो प्राप्त कर सकती है। इस योजना की शुरुआत है 19 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री गहलोत के 3 साल पूरे होने पर योजना की शुरुआत की गई थी। 13 से 45 वर्ष की उम्र की योजना को फायदा मिलेगा और सरकार ने इस योजना के अंदर कितना बजट आवंटित किया है, 200 करोड़ रुपए आवंटित किया है। और इस योजना की पूछताछ पड़ताल के लिए आप 181 पे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना जो एग्जाम को लेकर और भी इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बिल्कुल, इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और इस योजना के माध्यम से BPL अंत्योदय आस्था कार्ड परिवार धारकों या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, विधवा महिलाओं की कन्याओं को ये सहायता प्रदान की जाएगी, यानी उनकी जो बच्चियां हैं उनकी शादी के दौरान। लेकिन प्रत्येक परिवार में 2 कन्याओं को ही ये फायदा मिल सकता है, ऐसा नहीं 3 बेटियां है तीनों को नहीं, 2 बेटियों को फायदा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से और योजना बाल विवाह को रोकने के कारगर के लिए भी कहा गया, क्योंकि इस योजना के पात्र वही है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और फिर शादी वो करवाते हैं तब इस योजना का फायदा मिलेगा। उपरोक्त परिवार में आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि है 41, पहले मात कर ले कि 31,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध करवाई जाएगी और 10वीं पास कन्या को उसके विवाह के उपरांत 41,000 रुपये, स्नातक करने की बाद अगर कोई शादी कर रहा है तो उसको 51,000 रुपये दिया जाएगा। इसका मतलब शिक्षा को भी बढ़ावा देना है और बाल विवाह को भी खत्म करना है। तो ये महत्वपूर्ण थी, 18 वर्ष या इससे ऊपर 2 ही कन्या को इसका फायदा मिलेगा और योजना में आवेदन करने की विवाह से 6 माह तक के अंतर्गत रखें, 6 माह विवाह से 6 माह तक इस योजना का आवंटन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट योजना जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 55 वर्ष या उससे अधिक आयु और पुरुषों में 58 या उससे अधिक आयु को ही ये फायदा मिलेगा और जिनकी समस्त वार्षिक स्रोत से आयु जो इनकम है वो 48,000 या उससे कम होनी चाहिए। तो यही रखा गया है कि महिला 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुष 58 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। प्रतिमा देय वित्तीय राशि अगर 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपये में मिलेंगे उसको प्रतिमा पेंशन के रूप में और 75 से अधिक है तो 1,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। इस तरह से कुल लाभार्थी है वो लगभग 63,37,298 है इस योजना का फायदा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये भी इसके तहत है। इसमें रखा गया है कि मुख्यमंत्री एकल नारी योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला परिवक्ता तलाकशुदा जो राजस्थान की मूल निवासी है जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम है उसको इसका फायदा मिलने वाला है। यानी अगर 18 वर्ष है और उस या उससे अधिक आयु और 55 वर्ष तक है तो उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। विधवा या परित्यक्त हैं वो उनको 55 से 60 के बीच 750 रुपये और 60 वर्ष से अधिक आयु है जो 75 वर्ष से कम है तो 1,000 रुपये प्रतिमा, 75 वर्ष से अधिक है तो 1,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये इस योजना का उद्देश्य था। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्य सम्मान योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत कुछ विशेष समस्याओं से पीड़ित जो है उनको इस योजना का फायदा दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। इसमें रखा गया है कि जन्म से 8 वर्ष तक के दिव्यांगों को 2,500 रुपये दिए जाएंगे, 54 वर्ष तक के बीच के दिव्यांगों को 500 रुपये और 55 से 59 के को 750 रुपये, 64 वर्ष तक के दिव्यांगों को 1,000 रुपये, 60 से 100 तक ये इस योजना की शर्त रखी गई है। लघु सीमांत कृषक वृद्धजन योजना, इसके तहत राजस्थान लघु सीमांत कृषक योजना का पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा राजस्थान के मूल निवासियों को जो वृद्ध किसान है उनको 750 रुपये माह पेंशन दी जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
और इस योजना का जो शुभारंभ है 2013 के परिशिष्ट में किया गया था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री वर्धन योजना में 75 से अधिक वर्ष को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना कब शुरू की गई थी, तो ये काफी पहले की है, 1974 से। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ये 1965 से शुरू की गई थी, लेकिन शर्तें बदलती रहती है। अब ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजना, जिसको लेकर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। अदरवाइज आपके इस योजना से संबंधित 100% प्रश्न आएंगे। तो मिलेंगे दोबारा आपसे मैं तुम क्लास में, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।